हम लगातार कई महीनों से देख रहे हैं कि 35 साल के, 40 साल के, 45 साल के, 55 साल के उम्र के लोगों को अचानक हार्ट अटैक आने से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हार्ट अटैक आ रहा है, इसकी रोकथाम हो, इसके लिए हम लोग बहुत ही किफ़ायती दर पे एक स्कीम चालू कर रहे हैं, जिसमें अगर उस स्कीम के तहत लोग यहाँ आएंगे और अपनी जांच करवा के और उसके तरफ से अपना जानकारी ले लेंगे तो हार्ट अटैक की जैसी बड़ी बीमारी से बच जाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति को हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है और उसको पता नहीं है, वो यहाँ आए और उस प्रकार की जो ब्लड की जांच है वो करवा ले, एक ECG करवा ले और डॉक्टर को दिखा ले, इतनी व्यवस्था की गई है। तो अगर वो ब्लड की जांच जो है वो इस तरीके की जांच है कि उससे ये पता चल जाता है कि आपको हृदय संबंधी कोई परेशानी है कि नहीं है, और उसके बाद उसका ECG हो जाता है, तो वो सारी रिपोर्ट वो आएगा करवाएगा, उसके बाद उसको डॉक्टर को दिखाएगा, तो डॉक्टर उसको बता देगा कि भाई आपको ये चीज़ की परेशानी है, इसका इलाज आप समय रहते शुरू कर दीजिए, और अगर परेशानी नहीं है तो निर्भीक होकर घर चला जाए। तो जो हम लोगों ने ये सारा, अगर वो अलग अलग इंडिविजुअल करता है तो उसको कम से कम 1500 से 2000 रुपया लगेगा। उस सारे चीज़ों को, डॉक्टर का परामर्श, ECG और वो ब्लड जांच, ये सारे चीज़ों को हमने सीमित करके सिर्फ 500 रुपये में कर दिया है। आप आइए, 500 रुपये की पर्ची कटाइए, अपना ब्लड दीजिए, और ब्लड देने के बाद में आप अपना ECG कराइए, अपने घर चले जाइए। जब आपका ब्लड रिपोर्ट आ जाएगा आपको फ़ोन चला जाएगा, आप आके डॉक्टर से आपकी रिपोर्ट डॉक्टर देख के आपको ओपिनियन दे देगा। तो अपना लक्ष्य यह है कि किसी भी तरीके से लोगों को हार्ट अटैक जैसी, हृदय घात जैसी बड़ी बीमारी से बचाया जाए, अचानक मृत्यु से लोगों को बचाया जाए। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लें, तो लोगों का अकाल मृत्यु जो हो रही है उससे लोग बच सकते हैं। ये योजना आने वाले दिन सोमवार 7 तारीख से शुरू होके अगले महीने की 7 जनवरी तक चलेगी, एक महीने तक ये स्कीम चलेगी। तो स्कीम का फायदा लेने वाले को क्या करना है, सवेरे वो उठे और खाली पेट यहाँ आके अपना ब्लड डोनेट कर दे, ब्लड दे देगा, ब्लड की जांच हो जाएगी, जांच होने के बाद ECG हो जाएगा, और फिर वो अपने घर चले जाए। जब सारी रिपोर्टें रेडी हो जाएंगी तो उसको डॉक्टर का परामर्श मिलके उसको एडवाइज कर दिया जाएगा कि आपको क्या करना है। तो खाली पेट आना है लोग।